दो दिन बाद यानी 10 जुलाई को उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों को झोंक दिया है। खुद मुख्यमंत्री अब गांव-गांव, शहर-शहर जाकर वोट मांग रहे हैं। आज यानी रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुँचे। उन्होंने तपोवन और उर्गम में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में प्रचार किया और लोगों से राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। देश के अंदर तीसरी बार सरकार बनी है और एक तरफ हम लोग हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की बात कर रहे हैं, देश के सनातन की बात कर रहे हैं, हमारे धर्म स्थानों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। दूसरी तरफ पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताने वाले लोग लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, हमारे धार्मिक स्थलों का विरोध करते हैं, नवरात्र और पवित्र हमारे जो पर्व होते हैं उन पर्वों पर मांसाहार करके लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं, खिल्लियाँ उड़ाते हैं। तो बद्रीनाथ विधानसभा के लोग सनातन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी जी को भारी बहुमत से जिताएंगे और हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं कि ये स्थान, चाहे जोशीमठ हो, चाहे हमारा बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, उस सभी पर। आपको बता दें कि बद्रीनाथ सीट पर 10 जुलाई को चुनाव होना है। इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। ऐसे में इस बार बीजेपी ने इस सीट पर कमल खिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनाव प्रचार से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ के ढाक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और इस समारोह में स्थानीय लोगों के साथ पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।